Now let us start revision of chapter 5, which is second law of thermodynamics. So the first question is, a heat engine is a device that operates on a thermodynamic cycle. Option A, to convert the heat supplied into complete work energy under reversible conditions. B, to convert the heat supplied into complete work energy under all conditions. C, to produce useful work from the heat received from a source and also rejects the remaining heat to the sink under all conditions. And D, to produce useful work from the heat received from a source and also rejects the remaining heat to the sink under reversible conditions. ठीक है, तो अब heat engine हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि heat engine ही क्या है, यही हमसे पूछा भी गया है. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि heat engine बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो जूल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने दिखाया था कि भाई जो हमारे वर्क है, ठीक है, जो हमारे वर्क है और वो कंप्लीट कन्वर्ट हो सकती है किस में, हीट में. मतलब ये 100% कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है. ठीक है, तो ये 100% कन्वर्जन इज पॉसिबल. ठीक है, लेकिन हमारी हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर कन्वर्जन नहीं लिखा है, वहाँ पे भी कन्वर्जन है, 100% कन्वर्जन नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे हमें 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, जबकि वर्क को हम लोग टोटल हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं 100%. ठीक है, उसके अलावा हमारा जो वर्क है वो क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है, और जो हमारी हीट है वो क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है. अब हाई ग्रेड टू हाई ग्रेड अगर हम वर्क से वर्क में ही कन्वर्जन करें तो वो भी 100% कन्वर्जन पॉसिबल है. ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है. ठीक है, वर्क हमारी हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड टू हाई ग्रेड हमारा सेकंड लॉ से गवर्न नहीं होता. ठीक है, तो हम लोगों को हाई ग्रेड से हाई ग्रेड में बदलेंगे तो कोई हो सकता है कि लॉसेस वगैरह हो जाए. दूसरा, हाई ग्रेड से लो ग्रेड एनर्जी में हम क्यों कन्वर्जन करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि भैया अगर हम लोग लो ग्रेड को, लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में अगर बना लें तो हमारे लिए काम की चीज़ आ जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए हमें ये कन्वर्जन करने के लिए हीट इंजन बनाने की ज़रूरत पड़ी. तो आपका हीट इंजन क्या कर रहा है, आपका हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में, बस यही आपका हीट इंजन कर रहा है. और ये क्या करता है, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट करता है जिसमें, ठीक है, ये मान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है आपका हीट इंजन है ये. ठीक है, सो साइकिल है इसीलिए सर्कल बनाया. इसमें नेट हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम को और नेट वर्क ट्रांसफर होता है सिस्टम से. तो इसका मतलब यहाँ पे नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम को और यहाँ पे आपका नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से. तो यहाँ पे आपका हो गया सोर्स और यहाँ पे आपका आ गया सिंक. ठीक है, अब ये सब चीज़ों को देख लेते हैं बारी बारी से कि ये चीज़ें हैं क्या. अब हमने क्या बोला कि नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम को, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू एस विल बी ग्रेटर देन क्यू आर, तभी तो नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है. देख सकते हो कि भाई क्यू एस जो है वो सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं और क्यू आर जो है वो सिस्टम से हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं. सिस्टम क्या है हमारा, हीट इंजन है, ये रहा हमारा सिस्टम. और नेटवर्क ट्रांसफर हमारा फ्रॉम द सिस्टम है, तो डब्ल्यू नेट भी इसीलिए हमारा फ्रॉम द सिस्टम है, तो बाहर की तरफ एरो दिखा है. अब हीट हम लोग जहाँ से लेते हैं वो लेते हैं सोर्स से, और हम लोग हीट जहाँ पर रिजेक्ट करते हैं वो करते हैं सिंक में. अब ये सोर्स एंड सिंक क्या है, अब सोर्स है हमारी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. ठीक है, सोर्स क्या है हमारा, एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो कि क्या करता है, हीट सप्लाई करता है. ये क्या करता है, हीट को सप्लाई करता है. अगर आपको सोर्स दे दिया है कहीं पे भी नाम, तो सीधे समझ लीजिए वो क्या कर रहा है, हीट को सप्लाई कर रहा है. सिंक क्या कर रहा है, वो भी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है. ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सोर्स आपका हीट सप्लाई करता है और आपका सिंक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. अब इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले ये इनकी लार्ज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, तो हाई हीट कैपेसिटी. ठीक है, हाई हीट कैपेसिटी. अब ये हाई हीट कैपेसिटी क्या है, आपका मास इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट. ठीक है, हाई मतलब लगभग इनफाइनाइट, लार्ज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होनी चाहिए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की. ठीक है, इसके बाद इनका टेम्परेचर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है,
तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी प्रोसेस होती हैं इसमें सब की सब कैसी होती हैं, क्वाजी स्टैटिक होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, ये तीन पॉइंट थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के संदर्भ में, ठीक है। तो रिगार्डिंग थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दीज थ्री पॉइंट्स आर मस्ट टू बी रिमेम्बर्ड। दूसरा कि हमारा हीट इंजन क्या करता है, हीट को कन्वर्ट करता है आपके किस में, वर्क में, ठीक है, जिसमें नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है और नेट वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम है। तो अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या ऑप्शन है, टू कन्वर्ट हीट सप्लाइड इनटू कंप्लीट वर्क एनर्जी अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस। तो इसका मतलब क्या ही है, 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि कंप्लीट लिखा है तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, टू कन्वर्ट द हीट सप्लाइड इनटू कंप्लीट वर्क एनर्जी अंडर ऑल कंडीशंस। यहाँ पे भी कंप्लीट आ गया, देखते ही कंप्लीट तो कैंसिल कर देना ऑप्शन, क्योंकि कंप्लीट तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा देखते हैं, टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम द हीट रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स एंड ऑल्सो रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट टू द सिंक अंडर ऑल कंडीशंस। सही है क्या भैया, आपने क्या बोला कि यूजफुल वर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ भाई यूजफुल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, हीट रिसीव कर रहा है सोर्स से, हाँ हीट रिसीव कर रहा है सोर्स से, क्या रिमेनिंग हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है सिंक को, बिल्कुल रिमेनिंग हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक को, तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन डी, टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम द हीट रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स एंड ऑल्सो रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट टू द सिंक अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस, ठीक है। पहले सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में बस किसका डिफरेंस है, अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस का डिफरेंस है। अब भैया हमने कहीं यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भैया ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही होगी तभी आपका ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। और रियलिटी में तो हीट इंजन है तभी तो हम लोग हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क में, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में रियलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये अंडर रिवर्सिबल जुड़ गया है तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड वायलेट्स ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सी क्लॉशियस स्टेटमेंट एंड डी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा था PMM 1 किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसे क्या बोलते हैं हम, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड है तो फर्स्ट लॉ करेगा, सेकंड काइंड है वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए ऑप्शन डी आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब बी और सी आपके स्टेटमेंट बचे, और ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं आपके फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट हैं फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड है क्या, तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड एक ऐसी मशीन है जो कि कंटिन्यूसली एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क करती है और सिर्फ एक ही रिजर्वॉयर, एक ही थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर से ये इंटरेक्ट करती है और जितनी एनर्जी ये लोग एब्जॉर्ब करती है PMM 2 उतनी ही वर्क को प्रोड्यूस कर देती है। तो मतलब W=Q1 हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, PMM 2। अब देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि भैया इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू ऑपरेट इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड डिलीवर्स अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क टू इट्स सराउंडिंग वाइल रिसीविंग एनर्जी बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर। तो इसका मतलब क्या है, PMM 2 किसको वायलेट कर रहा है, केल्विन प्लैंक, क्यों, क्योंकि केल्विन प्लैंक ने ही बोला कि भाई ऐसा डिवाइस थर्मोडायनेमिक साइकिल में जो कि ऑपरेट कर रहा हो बनाना इम्पॉसिबल है, जो कि एनर्जी ले रहा हो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से और उस एनर्जी को पूरा कन्वर्ट कर रहा होगा वर्क में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देख लेते हैं कि क्लॉशियस स्टेटमेंट भी क्या कहता है, तो क्लॉशियस स्टेटमेंट कहता है कि अपने आप हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम अ लो टेम्परेचर, हम इसे सिंक लिख लेते हैं, फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, सोर्स होता है हमेशा हाई टेम्परेचर, सिंक होता है लो टेम्परेचर, अपने आप ही हीट का ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल है, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट अपने आप नहीं जा सकती, यही कहता है आपका क्लॉशियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या वायलेट कर रहा है, PMM 2 वायलेट कर रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।